हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर तरुण पांडे। कॉन्टिन्यूटी का लेक्चर मैं आपको कॉन्टिन्यूस दे रहा हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियो सब मैंने आपको कि मैंने लाइव स्ट्रीमिंग कराई वीडियो की। तो अब मेरे पास एक और प्यारा सा क्वेश्चन है जो आपका बोर्ड में 2016 और सन 2008 इसमें पूछा गया, CBSE बोर्ड में 2016 और 2008 में बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है इफ़ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, एक थोड़ा सा बोर्ड छोटा है स्टूडेंट्स तो इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है एफ ऑफ एक्स डिफाइंड बाय 1 माइनस, इसीलिए मैं बोल भी रहा हूँ 1 माइनस साइन क्यूब एक्स। आप लोग साथ में लिखिए 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 cos² x, 3 cos² x व्हेन एक्स इज लेस देन π/2 एंड इफ एक्स इज इक्वल टू 90, इफ एक्स इज इक्वल टू 90 देन एफ ऑफ एक्स इज ए, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 90 बी 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन π/2x² तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है आपसे ए और बी की वैल्यू बताइए। और फंक्शन इसमें भी कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इसमें और आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है। तो स्क्रीन में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिखाई दे रहा है। बीच बीच में मैं चेक करता रहता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि फंक्शन जब कॉन्टिन्यूस है, बस इसमें देखा जाए तो केवल क्लास 11th की लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। क्या आप समझ रहे हैं कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इसका LHL और RHL और एफ ऑफ π/2 ये तीनों सेम होगा। आप कहेंगे π/2 पर क्यों चेक करें, जब कॉन्टिन्यूस है तो π/2 पर इसलिए चेक करें क्योंकि π/2 पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है। π/2 - h, मतलब π/2 से जब छोटा है फंक्शन तो ये है, π/2 पर ये है, और π/2 से जब वैल्यू बड़ा होगा x का तो फंक्शन ये है मेरा। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि LHL अलग निकाल लेते हैं, RHL अलग निकाल लेते हैं, के लिए एक साथ नहीं लिख सकते हैं, जगह नहीं इतनी। तो हम पहले LHL को अलग सेपरेट निकाल देते हैं। तो देखिए पहले हम LHL निकालते हैं, ये LHL है, लिमिट x टेंस टू 90 माइनस ऑफ एफ एक्स। नाउ वी अप्लाई लिमिट, यू कैन पुट इन द प्लेस ऑफ x 90 माइनस h एंड h टेंस टू 0। अब स्टूडेंट्स 90 माइनस एच की बात करते हैं तो 90 माइनस एच ये है हमारा, 90 से छोटा है तो 90 माइनस एच में ये फंक्शन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 90 माइनस एच रख देंगे तो 1 माइनस। वैसे तो देखा जाए कि लिमिट अप्लाई करने से पहले हम इसको और सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यूब लगा दें और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर वहाँ पर ए प्लस बी माइनस बी करके क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। बट बिना उसके भी कर सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन क्यूब और जहाँ एक्स है वहाँ रख देंगे 90 माइनस एच स्टूडेंट्स अपॉन 3 cos² 90 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत आराम से मैं क्लियर कर रहा हूँ। कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखा करें, बिल्कुल संकोच मत करिए। अब इसके बाद साइन 90 माइनस h की जब बात करें तो साइन 90 माइनस h ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है 10th में, साइन 90 माइनस h cos h होता है। तो देखिए यहाँ पर साइन 90 माइनस एच कॉस एच हो जाएगा तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस, ऊपर मतलब 1 माइनस cos³ h हो जाएगा अपॉन
कॉस 90 माइनस है साइन एच हो जाएगा, और नीचे अपॉन में 3 भी है। वैसे मैं पहले से ही सिंप्लीफाई कर देता तो ज़्यादा सही रहता। अब यहाँ पर एक की माइनस बी क्यूब लगा दीजिए, तो 1 माइनस कॉस एच, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एच प्लस कॉस एच अपॉन 3। स्टूडेंट्स देखिए क्या है कि फॉन्ट साइज कहीं छोटा लग रहा है तो आप भी एडजस्ट करिए, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ पर साइन स्क्वायर एच का मतलब हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच का मतलब सुनिएगा बहुत ध्यान से, साइन स्क्वायर एच का मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच का मतलब होता है 1 माइनस कॉस एच 1 प्लस कॉस एच। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस एच और 1 प्लस कॉस एच हो जाएगा। आप लोग मेरे साथ नोट कर लिया करें, लिमिट एच टेंस टू 0, ये कैंसिल हो गया। अब ऊपर जब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस 0 1 हो जाता है, कॉस 0 1, तो ये आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 3 1 प्लस कॉस 0 1, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गया हाफ, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई हाफ। तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट हम यहाँ पर हाफ लिख दे रहे हैं और बाकी हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक है ना। इसके लिए हमने हाफ लिख दी और बाकी रफ कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर इस समय अब इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट लिख दिया मैंने 1/2, अब निकालेंगे इसका राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है 90 प्लस एच, 90 प्लस 90 से ज़्यादा, तो 90 प्लस एच की जब बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, लिमिट एक्स टेंस टू 90 प्लस एफ ऑफ एक्स। नाउ वी अप्लाई लिमिट एफ ऑफ 90 प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0। अब एफ ऑफ 90 प्लस एच, 90 से बड़ा, तो 90 से बड़ा फंक्शन दिख रहा है यहाँ पर, तो यही फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो जहाँ पर x है वहाँ पर रख देंगे b 1 माइनस साइन 90 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 90 प्लस h लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0, अब यहाँ पर साइन 90 प्लस एच, स्टूडेंट्स आप बोर तो नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, और सिलेबस भी कुछ कम हुआ है आपको बता दें न्यूज़, हालांकि आप लोग हमसे ज़्यादा फास्ट हैं, सीबीएसई ने कुछ चैप्टर्स को के टॉपिक्स को रिमूव किया है, तो हम इस पर अभी एक वीडियो बनाएंगे कौन कौन से टॉपिक को उन्होंने रिमूव किया है, तो ये भी जाना ज़रूरी है। यहाँ पर बी साइन 90 प्लस एच, या इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है साइन 90 प्लस एच क्या होता है, 90 प्लस एच, फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जब पढ़ाने का मतलब होता है क्लास में अंतिम पंक्ति में बैठा बच्चा वो भी सीख जाए, 90 प्लस एच यानी आप इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, और इस क्वाड्रेंट में अकॉर्डिंग टू ASTC यहाँ पर साइन और कॉस एक पॉजिटिव होते हैं,
यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ टेन कॉट पॉजिटिव, यहाँ कॉस सेक पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंपल सी बात है, साइन 90 प्लस एच कॉस एच हो जाएगा, तो 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस एच अपॉन, ये थोड़ा सा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, इजाज़त हो आपको आप लोगों की। तो जब 2 अंदर जाएगा तो दोस्त 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस पाई और प्लस पाई टर्न हो गए, और ये माइनस टू जब अंदर जाएगा तो ये माइनस टू एच हो जाएगा, तो 4h² हो जाएगा, 4h² करेक्ट है कि नहीं, आप चेक कर सकते हैं यार। 2 को अंदर भेजिए तो 2 से 2 टन, पाई से पाई टन, ये माइनस टू एच यानी 4h², और बी 1 माइनस कॉस एच को लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री 2 साइन स्क्वायर एच बाई टू 4h² लिमिट h टेंस टू 0। तो 1 माइनस कॉस एच की वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर एच बाई टू, ये ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लिया मैंने, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0 पर इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसको हम बनाते हैं 2b साइन h by 2 अपॉन h होल स्क्वायर और अपॉन में 4, यही तो है 2b by 4 अलग कर दिया और यस कर दिया। इसमें एक काम करिए दोस्त, यहाँ पर 2 का डिवाइड कर दीजिए और 2 का मल्टीप्लाई लिमिट h टेंस टू 0। अब क्या करेंगे, ये साइन थीटा बाई थीटा, साइन थीटा बाई थीटा, साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0 पर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब ये देखिए ये पूरा वैल्यू 1 हो गया। तो बचा क्या, 2b बाई 4 ये 1 हो गया, लेकिन ये 2 रह जाएगा, तो 1 बाई 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 बाई 4, करेक्ट है ना। और ये आपका बचेगा b बाई 8, 4 4 16 और 2 बाई 16 मतलब b बाई 8, तो ये राइट हैंड लिमिट आ गया b बाई 8। अब हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट की जगह b बाई 8 लिख दे रहे हैं, बी बाई 8। अब एक्चुअल में फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो 90 पर भी कॉन्टीन्यूअस होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट 90 और इज इक्वल टू एफ ऑफ 90, यानी 90 माइनस एच, 90 प्लस एच और 90, तीनों का वैल्यू सेम होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आया हाफ, राइट हैंड लिमिट आया बी बाई 8 और f ऑफ 90 यानी x जब 90 है उस समय f ऑफ 90 a हो गया, तो सीधा दिख रहा है आपको a का वैल्यू 1 बाई 2, a इक्वल टू 1 बाई 2, तो a इक्वल टू 1 बाई 2। और इसके बाद इसको इक्वल कर लेंगे तो 8 इधर आएगा तो b का वैल्यू 4 आ जाएगा, करेक्ट है, 8 इधर आ जाएगा तो 2 4 8। अब चेक कर लीजिएगा कहीं अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो, वैसे है नहीं लेकिन अगर है तो आप इसको सही कर सकते हैं। बेसिक मैंने फंडा आपको समझा दिया इस वीडियो में, इस क्वेश्चन पे मैंने अपनी पूरी टिप्पणी की, मैंने इस 2 मिनट के क्वेश्चन को 3 मिनट के क्वेश्चन को अप्रॉक्सीमेट 10 से 12 मिनट में समझाने का प्रयास किया और ज़्यादा ही हो गया होगा, लेकिन मेरा मानना है कि क्वेश्चन कम हो लेकिन एक्सप्लेनेशन ऐसा हो कि आपको वो क्वेश्चन आ जाए ताकि उस पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकें। इसके बाद स्टूडेंट्स आइए आगे एक क्वेश्चन और कॉन्टीन्यूटी का हम डिस्कस करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगला क्वेश्चन भी आप लगा लेंगे, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूं।
कह रहा है क्वेश्चन मेरे पास और हैं, क्वेश्चन तो बहुत हैं। कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स थ्री ए एक्स प्लस बी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वन एंड इट इज 11 व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन एंड 5ax माइनस 2b व्हेन एक्स इज लेस देन वन। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू वन और इसमें बतानी है आपको वैल्यू ए और बी की। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हम चाहते हैं आप लोग करें और उसके बाद हम इसका जवाब देते हैं आपको। स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, 3ax प्लस बी एफ एक्स की वैल्यू है जब एक्स एक से बड़ा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। वन पर कॉन्टिन्यूस है मतलब एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ वन माइनस एंड एफ ऑफ वन, ये तीनों सेम होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें दो इक्वेशंस बनेंगी ए और बी के फॉर्म में, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और इसका जवाब कमेंट में लिख के हमें देना है। और हम आपसे एक्चुअल में लाइव स्ट्रीमिंग करा रहे हैं इस वीडियो की, तो हम आपको इसका जवाब दे रहे हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को लगाएं, देखिए कौन स्पीड से इसका जवाब देता है। और जो व्यूवर्स हमारे बाद में ये वीडियो देख रहे हैं वो इतने पार्ट को स्किप कर सकते हैं, वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं। जो ऑफलाइन वीडियो बाद में देख रहे हैं, मतलब ऑफलाइन नहीं देखेंगे तो ऑनलाइन, लेकिन 1-2 मिनट, 1-2 घंटे बाद या 1-2 दिन बाद या 1 साल बाद जब भी देखें तो ठीक है। क्वेश्चन हमने नोट कर लिया होगा, इसका जवाब दीजिए। और तब तक आप तक करेंगे तब तक एक क्वेश्चन हम और नोट करेंगे जो हम कराएंगे भी। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके लिए था। करा फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, ये 2016 और 2011 में आया है, एफ ऑफ एक्स ए साइन एक्स प्लस वन इंटू 90 टेन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से 11th में पढ़ाए उनको ये सब बातें याद आ रही होंगी, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत मिलते थे लिमिट में। कह रहा है इसमें ए की वैल्यूज बताइए फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 0 पर। तो ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूस 0 पर है तो एफ ऑफ 0 प्लस और एफ ऑफ 0 माइनस और एफ ऑफ 0, ये तीनों वैल्यूज़ क्या होंगे सेम। देखते हैं, एफ ऑफ 0 माइनस पर वैल्यू निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स। नाउ वी अप्लाई लिमिट, वी पुट इन द प्लेस ऑफ एक्स 0 माइनस लिमिट एच टेंस टू 0। 0 माइनस का मतलब 0 माइनस एच, और यहाँ बताना होता है एच बहुत छोटा है, मतलब जहाँ एक्स है लिमिट अप्लाई करने, मतलब जहाँ एक्स है वहाँ 0 माइनस एच रखेंगे और बताएंगे एच बहुत छोटा है। और 0 माइनस एच का मतलब दोस्त ये वाला फंक्शन है, बोले जब एक्स का वैल्यू 0 छोटा है तो फंक्शन ये है, तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम 0 माइनस एच रख देंगे। जीरो माइनस एच प्लस वन 90, लिमिट एच टेंस टू 0। अब 90 अंदर भेज देंगे तो ए साइन 90 माइनस 90 एच, ओके ये तो फालतू ही किया, सीधे अप्लाई कर देते कोई दिक्कत ना होती।
अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? चाहे तो आप कर सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे तो एच 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 1 आ जाएगा, 1 इंटू ए आएगा। और चाहे आप ऐसे देख सकते हैं, जहाँ एच वहाँ 0 रख दीजिए, तो ये 0 इंटू 90 0, 90 बचेगा साइन 91 मतलब ए बचेगा। और आर सेल देखते हैं, आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स, राइट। नाउ वी अप्लाई लिमिट, लिमिट जहाँ एक्स है वहाँ रख देंगे 0 प्लस एच, वेयर एच इज वेरी स्मॉल। अब स्टूडेंट 0 प्लस एच का मतलब एच ही होता है, तो मतलब जहाँ एक्स है वहाँ एच रख देंगे, तो ये हो जाएगा टेन एच माइनस साइन एच अपॉन एच क्यूब और लिमिट एच टेंस टू 0। अब जैसा कि देख रहे होंगे जगह कम है तो कुछ रफ करना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो ए है, लिख दे रहे हैं यहाँ पर एल एच एल ए है। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए आप टेन एच को लिख सकते हैं साइन एच अपॉन कॉस एच, टेन एच को लिख देंगे साइन एच अपॉन कॉस एच और साइन एच कॉमन ले लें, ये हो जाएगा साइन एच अपॉन कॉस एच और साइन एच कॉमन ले लिया तो अपॉन ऐसे बचेगा 1 अपॉन कॉस एच माइनस 1 अपॉन एच क्यू। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एच, एलसीएम ले लिया और अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस कॉस एच अपॉन कॉस एच होगा और ये साइन है, साइन अपॉन कॉस टेन एच हो जाएगा। इट इज अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन दोस्त। और ये एच क्यूब है, इसको ऐसे लिख देंगे एच एच स्क्वायर लिमिट एच टेंस टू 0। फॉन्ट साइज छोटा तो मैं बोल रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। मैंने क्या किया, इसको एलसीएम लिया तो 1 माइनस कॉस एच अपॉन कॉस एच हुआ और वो कॉस एच और ये साइन मिलकर टेन एच हो गए और नीचे जो एच क्यूब था उसको हमने स्प्लिट कर दिया एच इंटू एच स्क्वायर में और लिमिट अप्लाई करेंगे तो टेन एच बाई एच 1 होता है और 1 माइनस कॉस थीटा ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे एच स्क्वायर है और ये तो 1 ही हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0। अब इसको हम ऐसे कर दें, ये 2 लिखा है साइन एच बाई 2 अपॉन एच, ये पूरा होल स्क्वायर लगा दे रहे हैं और यहाँ पर लिमिट लिखी हुई है एच टेंस टू 0। अब साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है तो मैंने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर साइन थीटा बाई थीटा ये 1 हो गया, ये 1 अपॉन 2 बचेगा और स्क्वायर लगाया तो ये 2 इंटू 1 बाई 4 मतलब हाफ, करेक्ट है। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया और साइन थीटा बाई थीटा 1 हो गया और 1 बाई 2 का स्क्वायर 1 बाई 4, तो ये इस तरीके से यहाँ पर राइट हैंड लिमिट आपका हाफ आ गया, लिख दे रहे हैं यहाँ पर राइट हैंड लिमिट हाफ। अब इसके बाद एफ ऑफ 0 पर वैल्यू निकालेंगे तो एफ ऑफ 0 पर वैल्यू क्या आएगी, 0 पर जब एक्स 0 है तो यही फंक्शन लेंगे, तो जहाँ पर एक्स वहाँ 0 रखती है तो यहाँ 0 रखेंगे 0 प्लस 1 1 1 इंटू 90 90 और साइन 91 1 इंटू ए मतलब एफ ऑफ 0 भी ए आएगा। और एक्चुअल में फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो एल एच एल इजक्ल टू आर एच एल इजक्ल टू एफ ऑफ 0, तो एल एच एल है आपका ए, आर एच एल है हाफ, एफ ऑफ 0 है हाफ, एफ ऑफ 0 है सॉरी ए, तो यहाँ पर ए का वैल्यू हाफ आ गया। तो स्टूडेंट्स मैंने इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस कराए, दो अच्छे क्वेश्चंस कराए और एक मैंने आपको करने के लिए दिया, तो ठीक है मैं इसका जवाब भी आपको देता हूँ। अभी तक कई बच्चों का आंसर नहीं आया, और कैसा लग रहा है आप लोगों को स्टूडेंट्स वीडियो लिखिए कमेंट में, और आप लोगों को वीडियो अच्छे लगा करें तो उसके लिंक ज़रूर शेयर किया करें, और भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। अब नेट की भी मैंने समस्या
कुछ हद तक दूर कर ली है इस मैंने, तो कोई आप लोगों को नेट में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, जो चैप्टर कम हुए, चैप्टर सॉरी कुछ सिलेबस कम हुआ है, कुछ टॉपिक कम हुए हैं, तो उसका भी एक मैं वीडियो बना के आपको सेपरेट डाल दूँगा। हालांकि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तो ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको मैसेज मिल जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मुलाकात होगी। हालांकि अभी आपसे हम लाइव स्ट्रीमिंग में हैं, लेकिन इस समय अप्रॉक्सीमेट टाइम हो रहा है 12:48, तो रात्रि के 12:48 हो रहे हैं, और इस समय मैं आप लोगों के लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ, और इसके बाद अगर हो सकेगा तो एक वीडियो और बनाऊँगा 11th का। तो ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मेहनत करिए और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। इस समय है, गुजर जाएगा, जल्दी से लॉकडाउन ख़त्म होगा और हम और आप फिर मुलाकात करेंगे ऑफलाइन। फ़िलहाल तब तक तो हम लोग पढ़ते रहेंगे और आप भी पढ़ते रहिए। धन्यवाद।